हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिस इज संगीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इट्स टोटली फ्री और मुझे भी आगे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फिर और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई मूवी साउंड ऑफ वायलेंस को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक फिनिश अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं एलेक्स नॉयर। आईएमडीबी पर इस मूवी को मिला है 5 out of 10 स्टार्स और रॉटन टमेटोज पर इट 62% फ्रेश। तो साल था 2002 और मूवी की शुरुआत में हम एक 10 साल के बच्चे एलेक्सिस, उसका भाई केविन और उसकी माँ मिसेज रीव्स को कार में अपने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। एलेक्सिस का कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी, मतलब वो डेफ हो गई थी। एलेक्सिस के पिता आर्मी में थे और वो हाल ही में वॉर जोन से वापस घर आए थे। इतने सालों तक टेरर और वायलेंस के बीच में रहने से एलेक्सिस के फादर ब्रायन काफ़ी ट्रॉमाटाइज थे और उनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही थी। इसलिए एलेक्सिस की माँ उसे कहती है कि उसके फादर को इस वक्त उनके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर अगले सीन में सब डिनर टेबल पर बैठे थे। एलेक्सिस ने अपने फादर के लिए एक ड्राइंग बनाई थी जो वो उन्हें दिखाती है, पर उसके डैड कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। एलेक्सिस और उसका भाई केविन अपने फादर से बात करने की कोशिश करते हैं पर ब्रायन उनसे कुछ नहीं बोलता। वहाँ का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होने लगता है और एलेक्सिस रोने लगती है। ब्रायन फिर एलेक्सिस पर चिल्लाने लगता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। एलेक्सिस अपने कमरे में म्यूजिक प्लेयर के स्पीकर पर हाथ रख के म्यूजिक फील कर रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि फ्लोर पर कोई कुछ जोर जोर से पटक रहा है। एलेक्सिस डरी सहमी बाहर जाती है और वो देखती है कि उसके फादर ने बुचर नाइफ से उसकी माँ और भाई की हत्या कर दी है। वो जाके किचन में छुप जाती है जहाँ उसे एक हैमर मिलता है और वो उससे अपने फादर के सर पर वार करती है। ऐसा करते ही उसे चारों तरफ रंग बिरंगे कलर्स दिखने लगते हैं और उसे बहुत ही प्लेजर फील होता है जिससे वो मुस्कुराने लगती है। एलेक्सिस ने अभी जो ये महसूस किया उसे सिनेस्थीसिया कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। सिनेस्थीसिया के वजह से एलेक्सिस को कुछ खास तरह की आवाज़ें सुनने पर वो आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि कलर्स के फॉर्म में दिखने भी लगती हैं। इस इंसिडेंट के बाद से एलेक्सिस के सुनने की क्षमता वापस आ गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है। एलेक्सिस अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। वो अपने कॉलेज में एक सब्स्टिट्यूट टीचर थी और अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैरी से मिलते हैं जो एलेक्सिस की बेस्ट फ्रेंड और रूममेट थी। वो एलेक्सिस को एक स्पेशल साउंड मिक्सर देती है जो मैरी ने स्पेशली एलेक्सिस के साउंड एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। फिर एलेक्सिस एक म्यूजिक शॉप पर जाती है जहाँ उसे एक यूनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिलता है। ये थेरेमिन नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे बिना छुए प्ले किया जाता है। फिर एलेक्सिस और मैरी अपने साउंड एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेडी के घर पहुंचते हैं। वहां उस लेडी का पार्टनर एक कोने में हैंडकफ्ड खड़ा था। एलेक्सिस और मैरी अपने इक्विपमेंट सेट करते हैं। फिर वो लेडी अपने पार्टनर के बैक पर हिट करती है और एलेक्सिस के साउंड्स को रिकॉर्ड करती है। एलेक्सिस फिर उसे और ज़ोर से हिट करने को बोलती है। उसे हिट करने की आवाज़ जैसे जैसे बढ़ने लगती है एलेक्सिस का सिनेस्थीसिया फिर से ट्रिगर होने लगता है जिससे उसे फिर से वॉइस कलर फॉर्म्स में दिखने लगते हैं। उस आदमी के बैग से अब खून निकलने लगा था और वो ये सब रोकने को बोलता है। एलेक्सिस फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो ये सब कंटिन्यू रखे, बट वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। फिर एलेक्सिस उन्हें पे करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वो दोनों एलेक्सिस के गैराज पर जाते हैं जहाँ उसने अपनी फैमिली का ट्रेलर पार्क कर रखा था जिसे एलेक्सिस अपने स्टूडियो की तरह भी यूज़ करती थी। एलेक्सिस काफ़ी नाराज थी क्योंकि वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैरी उसे समझाती है कि ये रिकॉर्डिंग्स उसके एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी है और उसे एक बार इसे सुन के देखना चाहिए। एलेक्सिस रिकॉर्डिंग सुनती है और कहती है कि वो इनसे काम चला लेगी। फिर वो मैरी को थैंक्स करती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एलेक्सिस और मैरी के बीच की केमिस्ट्री फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही थी। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे बट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर मैरी वहाँ से चली जाती है और एलेक्सिस दोबारा उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने लग जाती है। तभी एलेक्सिस के सुनने की एबिलिटी अपने आप चली जाती है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर अचानक से ही उसको फिर से सुनाई देने लग जाता है। फिर एलेक्सिस वहाँ से निकल के बाहर जाती है। एलेक्सिस को एक ड्रंक का आदमी छेड़ने लगता है। एलेक्सिस उसे धक्का देती है जिससे वो आदमी एक गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसका सिनेस्थीसिया फिर से ट्रिगर हो जाता है। जब एलेक्सिस उस आदमी को देखने जाती है तब वो अचानक से एलेक्सिस के फादर में बदल जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। तभी एलेक्सिस की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एलेक्सिस का सिर्फ एक ड्रीम था। फिर एलेक्सिस अपने घर जाती है और उसे मैरी के बेडरूम में एक हाफ नेकेड बंदा मिलता है। ये ड्यूक था जो मैरी का न्यू बॉयफ्रेंड था। ड्यूक को देख के एलेक्सिस ज़्यादा खुश नहीं होती और काफ़ी जेलस फील कर रही थी।
फिर वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में चलते चलते अलेक्सिस को फिर से सुनाई देना बंद हो गया था। फिर दोबारा उसको सुनाई देने लगता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। अलेक्सिस काफी पैनिक करती है और सीधे अपने डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताती है कि बचपन के ट्रॉमा के वजह से उसके कान के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन ठीक हो गए थे, जिसे वो दोबारा सुनने लगी थी, लेकिन उसके कान के पर्दे अभी भी डैमेज्ड हैं और उसके सुनने की क्षमता किसी भी स्टिमुलेशन से वापस आ या जा सकती है और उसे और भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अलेक्सिस ये सब सुन के परेशान हो जाती है और वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की ठान लेती है। फिर रास्ते में अलेक्सिस को एक बूढ़ा होमलेस आदमी मिलता है। वो उसे खाने के लिए कुछ देती है जिसमें अलेक्सिस ने कुछ मिलाया था। वो आदमी बेहोश होने लगता है। अलेक्सिस उसे पास के ही एक फैक्ट्री वेयर हाउस में ले जाती है और उसे एक टॉर्चर मशीन जैसे चेयर पर बिठा के ट्रैप कर देती है, जिसमें बहुत से नाइफ्स, हैमर्स और माइक अटैच थे जो उसने खुद बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत टाइम से ये सब प्लान कर रही थी। फिर वो उस मशीन को स्टार्ट करती है। उसको अपने फैमिली के विजन दोबारा आने लगे थे। वो आदमी बुरी तरह से घायल हो गया था और खून में लथपथ था। अलेक्सिस का सिनेस्थीसिया फिर से ट्रिगर होने लगता है और उसे बहुत ही इंटेंस प्लेजर फील होता है और वो प्लेजर में झूमने लगती है। फिर अचानक से सब रुक जाता है। वो आदमी अब मर चुका था। अलेक्सिस को चेयर पर उस होमलेस आदमी के बदले अपने फादर दिखाई देते हैं, जो उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अलेक्सिस के चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। वो उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देती है और घर वापस आ जाती है। घर आकर वो रिकॉर्डिंग सुनती है, साथ ही पियानो भी प्ले करती है। अलेक्सिस बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रही थी। अभी भी उसे सिनेस्थीसिया फील हो रहा था, जिसे उससे गूसबम्स फील होने लगते हैं। अगले दिन पुलिस को उस आदमी की लाश मिल जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। दूसरी तरफ हम अलेक्सिस को एक म्यूजिक रिकॉर्ड शॉप में देखते हैं। शॉप का ओनर अलेक्सिस के साथ काफ़ी रूड बिहेव करता है। अलेक्सिस शॉप के नोटिस बोर्ड पर एक टेनर सिंगर का एडवर्टीजमेंट लगाती है, जो उसने अपने नेक्स्ट विक्टिम के लिए लगाया था। फिर वो वहाँ से निकल के अपने यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ उसे प्रोफेसर उसको अपना लेक्चर देने को कहते हैं। अलेक्सिस वहाँ पर अपना म्यूजिक प्ले करती है, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में कंपोज किया था। म्यूजिक धीरे धीरे इंटेंस और डिस्टर्बिंग होने लगता है। म्यूजिक में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे सुन के पूरी क्लास शॉक हो गई थी और सब अलेक्सिस को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अलेक्सिस फिर से अपने सुनने की एबिलिटी खो देती है और क्लास से बाहर भाग जाती है। सीन कट होता है। फिर हम अलेक्सिस को एक म्यूजिक स्टूडियो में देखते हैं। तभी वहाँ उसी रिकॉर्ड शॉप का ओनर आ जाता है, जो अलेक्सिस का एडवर्टीजमेंट पढ़ के वहाँ आया था। अलेक्सिस फिर उसके सर और आर्म्स में इलेक्ट्रोड्स लगाने लगती है, जो उसने थेरेमिन से कनेक्ट किया था। थेरेमिन वही इंस्ट्रूमेंट है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अलेक्सिस फिर उसे गाना गाने को कहती है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं। जब वो आदमी इलेक्ट्रोड को निकालने लगता है तो वो नहीं निकलते, क्योंकि अलेक्सिस ने उसमें ग्लू लगाया था, जिससे वो उसके स्किन से चिपक गया था और ज़्यादा फोर्स लगाने से उसके हाथ की स्किन भी निकल आती है। अलेक्सिस अब उसे थेरेमिन की मदद से कंट्रोल करने लगी थी और उस आदमी की आंखों से खून निकलने लगता है। फिर उसका सर भी अचानक से फट जाता है। अलेक्सिस को थोड़े टाइम के लिए सिनेस्थीसिया फील होता है और फिर दोबारा उसके सुनने की एबिलिटी चली जाती है। फिर पुलिस भी कुछ देर बाद वहाँ आ जाती है, लेकिन अलेक्सिस ने ऑलरेडी क्राइम सीन ब्लीच कर दिया था, इसलिए उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। उन्हें बस इतना पता लगता है कि ये केस उस होमलेस आदमी के मर्डर से रिलेटेड है। अगले सीन में हम मैरी को देखते हैं, जो अलेक्सिस के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट के बाद से घर वापस नहीं आई थी और अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी थी। मैरी अलेक्सिस को ढूंढते हुए उसके ट्रेलर में आ पहुंचती है। मैरी और अलेक्सिस के बीच में ड्यूक को लेकर थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसके बाद मैरी वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मैरी और ड्यूक को एक आर्ट गैलरी ओपनिंग में देखते हैं। सरप्राइजिंगली अलेक्सिस भी वहां मौजूद होती है, जो अपने अगले शिकार के लिए वहां आई थी, लेकिन अलेक्सिस इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ड्यूक और मैरी भी वहां मौजूद हैं। अलेक्सिस का अगला शिकार ये हार्पिस्ट होती है। अलेक्सिस हार्पिस्ट के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे वो हार्पिस्ट एक ट्रांस स्टेट में पहुंच जाती है। अलेक्सिस उस हार्पिस्ट के इंस्ट्रूमेंट को अपने फोन से कंट्रोल करती है और उसके स्ट्रिंग्स को टाइट कर देती है, जिससे हार्पिस्ट की उंगलियां स्ट्रिंग से कटने लगती है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। सब लोग खुद में बिजी थे और किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। फाइनली लोग हार्पिस्ट को नोटिस करते हैं, जो अपने आप को बुरी तरह से इंजर कर चुकी थी और वो बेहोश हो जाती है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और फिर ड्यूक और मैरी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग हार्पिस्ट को हॉस्पिटल भेज देते हैं और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डिटेक्टिव फ्यूंटस मैरी को अपना नंबर देती है और उसे कुछ भी इम्पोर्टेंट याद आने पर कॉल करने को कहती है। मैरी फिर बाहर ड्यूक के पास जाती है। ड्यूक मैरी को बताता है कि उसने शायद अलेक्सिस को वहाँ देखा था, जो हार्पिस्ट को ही घूर रही थी।
मैरी को ड्यूक की बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसे पुलिस को कुछ भी बताने से मना करती है और ड्यूक पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मैरी एलेक्सिस को सारी बातें बताती है और उसे कहती है कि ड्यूक ने उसे आर्ट गैलरी में देखा था। इस पर एलेक्सिस कहती है कि वो तो अपने स्टूडियो में थी। फिर मैरी को ड्यूक का मैसेज आता है। वो उससे कल रात के इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगता है और उसी से उसको पता चलता है कि उस हार्पिस्ट की जान भी बच गई है। फिर मैरी जब किचन में जाती है तब एलेक्सिस मैरी के फ़ोन से ड्यूक को मैसेज करके अपने गैराज पर बुलाती है। ड्यूक भी मान जाता है और एलेक्सिस मैरी के आने से पहले सारे मैसेजेस डिलीट कर देती है। फिर एलेक्सिस मैरी को आराम करने को बोल के अपने गैराज की तरफ जाती है। ड्यूक भी वहाँ आ गया था। एलेक्सिस ड्यूक को बोलती है कि मैरी उसके ट्रेलर में सो रही है। फिर वो उसे गैराज के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही एलेक्सिस ड्यूक को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है। फिर अगले सीन में हम ड्यूक को एक चेयर से बंधे हुए देखते हैं। एलेक्सिस उसके पास माइक रख देती है ताकि वो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सके। एलेक्सिस ड्यूक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी पर तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। फिर वो ड्यूक को हथौड़े की मदद से मारने लगती है। ड्यूक एलेक्सिस को नीचे गिरा देता है पर एलेक्सिस पास पड़े नाइफ की मदद से उसे स्टैब कर देती है। फिर वो उसे दोबारा हथौड़े से मारने लगती है। उसका सिनेस्थीसिया फिर से ट्रिगर होने लगा था। एलेक्सिस हंसने लगती है। फिर एलेक्सिस माइक को ड्यूक के सीने के पास रखती है, उसकी हार्ट बीट सुनती है। फिर एलेक्सिस उसको क्रीपी वे में थैंक यू बोलती है और उसके सीने को चाकू से चीर देती है और खून के बहने की आवाज़ रिकॉर्ड करती है। मैरी अभी भी घर पे ही थी। एलेक्सिस के कमरे में उसको एक आईपॉड मिलता है और उसे सुनने से वो थोड़ा घबरा जाती है। मैरी एलेक्सिस को ढूंढते हुए गैराज आ पहुंचती है। वो एलेक्सिस को बोलती है कि उसने उसके आईपॉड में कुछ सुना था जिसमें एक बच्चे को कोई पंच कर रहा था और एक लड़की मुस्कुरा रही थी। एलेक्स मैरी को बताती है कि वो उसके ऑर्फनेज वाला बुली था जो उसे हमेशा परेशान किया करता था। फिर एलेक्सिस मैरी को बताती है कि उसके सुनने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो शायद दोबारा डेफ हो जाएगी। फिर हम व्यूअर्स एलेक्सिस और मैरी को किस करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। मैरी को फिर ट्रेलर के पास बहुत सारा खून दिखता है और अंदर जाने पर उसे ड्यूक की लाश दिखती है। मैरी ड्यूक की लाश देख के चिल्लाने लगती है और सीन कट हो जाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एलेक्सिस ने मैरी के हाथ पैर बांध दिए हैं। मैरी एलेक्सिस से पूछती है कि उसने ड्यूक को क्यों मारा। इस पर एलेक्सिस कहती है कि ड्यूक मरा नहीं है बल्कि वो अब उसके म्यूजिक का हिस्सा बन चुका है। फिर एलेक्सिस मैरी को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव फ्यूंटेस को प्रोफेसर और हार्पिस्ट से मिलते हुए देखते हैं। हार्पिस्ट डिटेक्टिव को बताती है कि उसने अपना इंस्ट्रूमेंट एलेक्सिस को दिया था जो उसी के यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। अगले सीन में हम एलेक्सिस को देखते हैं जो मैरी की बॉडी पर कोई सर्जरी कर रही थी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव फ्यूंटेस को भी एलेक्सिस पर पूरा शक हो गया था। वो उसके गैराज पहुँचती है जहाँ उसे ड्यूक की लाश मिलती है, लेकिन एलेक्सिस तब तक अपना ट्रेलर लेके वहाँ से फरार हो गई थी। एलेक्सिस ड्राइव करके बीच पर पहुंचती है और ट्रेलर का दरवाज़ा खुला छोड़ के भीड़ से बिल्कुल अलग होकर चलने लगती है। फिर हम ट्रेलर से मैरी को नीचे उतरते हुए देखते हैं। अब जाके हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि एलेक्सिस ने मैरी के साथ क्या किया था। दरअसल एलेक्सिस ने मैरी की सर्जरी करके उसके बॉडी में स्पीकर फिक्स्ड कर दिए थे, बेसिकली उसे ह्यूमन स्पीकर बना दिया था। और स्पीकर्स के जरिए एलेक्सिस अपने फाइनल मास्टरपीस को प्ले करती है जिसमें एलेक्सिस के सारे विक्टिम्स के मरने और तड़पने की आवाजें होती हैं। बीच पर कोई भी मैरी की मदद नहीं करता, उल्टा लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। एलेक्सिस दूर खड़ी होकर म्यूजिक सुनने लगती है। उसका सिनेस्थीसिया फिर से ट्रिगर होने लगता है। एलेक्सिस अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के जुनून में इस कदर अंधी हो जाती है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसका प्यार भी। एलेक्सिस के आंखों के सामने मैरी का चेहरा आने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करती है। एलेक्सिस मैरी से आई एम सॉरी बोल के रोने लगती है और उसे बहुत पछतावा होने लगता है। तभी डिटेक्टिव फ्यूंटेस भी वहाँ आ जाती है और मैरी उसकी गोद में अपना सर रख के अपना दम तोड़ देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी साउंड ऑफ वायलेंस मूवी की कहानी। मूवी में सिनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक लगा। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।